मैं आज कुरुद में प्रेस वार्ता ले रही हूँ, उसका जो ये है मतलब है कि नीलम चंद्राकर जी कुरुद मंडी अध्यक्ष द्वारा चैनल के माध्यम से मैं सुनी हूँ कि मेरी मम्मी जो दीपा साहू भी थी वो 85 में, 90 में और 98 में और 2003 में चुनाव लड़ी है ना। वो चुनाव लड़ती थी, उनको अर्जुन सिंह ने टिकट दे दी थी और वो ऐसे चुनाव लड़ती थी कि उनका कहीं पे कोई विरोध नहीं होता था, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिलता था। लेकिन उस समय नीलम चंद्राकर जी सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वो 98 से सक्रिय राजनीति में आए हैं। उनका बार बार ये बोलना कि दीपा साहू जी निष्क्रिय रहती थी, दीपा साहू जी यहाँ पे आती नहीं थी है ना, और परोसा हुआ कैंडिडेट है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस बात पर मुझे बहुत आपत्ति है और मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचा है क्योंकि उनकी राजनीति को हम लोग देखे हैं, वो सबको समान भाव से लेके चलती थी और बहुत ही सिंपल राजनीति वो करती थी। तो मैं जो ये सुनी हूँ उसी बात पे मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि हमारी फैमिली को अभी तक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बहुत बार टिकट मिली और टिकट मिला है उसका कारण भी बहुत साफ सुथरी हमारी दादी। मई में मैं सुनी थी उसमें भी वो बोले थे और उसके बाद मैं उसमें तो खैर मैं चुप हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि राजनीति है होते रहता है। फिर ये 2-3 दिन पहले एक चैनल में और मैं सुनी तो उसमें फिर उसी बात को रिपीट किए हैं, इसलिए मुझे गहरा आघात मेरे दिल को पहुंचा है। उसी माध्यम से आज मैं ये प्रेस वार्ता ले रही हूँ।